आपने नया गैजेट लिया है इलेक्ट्रॉनिक और बहुत हाई टेक है, उसमें बहुत सारे फंक्शन। एक तरीका तो ये है कि हम उसके साथ जो मैनुअल मिला है हम उसको पढ़ें, यूजर मैनुअल को, और उसको पढ़ पढ़ के एक एक फंक्शन सीखने की कोशिश करें। और दूसरा तरीका यह है कि कंपनी की तरफ से एक बंदा हमारे पास आ जाए और वो हमें एक एक चीज करके दिखा दे, प्रैक्टिकली हमें करके दिखा दे हमारी आंखों के सामने। तो क्या पॉसिबिलिटी लगती है कि हम मैनुअल पढ़ के ज्यादा सीखेंगे या बताए जाने पे, उस व्यक्ति के बताए जाने पे हमें ज्यादा समझ आएगी, या उसके करे जाने पे हमें ज्यादा, उसके करके दिखाने पे हमें ज्यादा समझ आएगी। बड़ी उत्पत्ति। हाँ जी, क्या लगता है कोई? मैं ये ओपन क्वेश्चन है, कोई भी जवाब दे सकते। करके दिखाने पे ज्यादा आएगी सर क्लियरिटी। एग्जैक्टली, जब वो हमें कहता हूँ कभी कोई नहीं बोलेगा कि उसको समझ में नहीं, भले ही उसको नहीं आया। जिस तरीके से हम अपने बॉसेस के सामने कैसे ट्रेनिंग करते हैं, उसी तरीके से हमारे नीचे वाले हमारे सामने वो हमसे क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछते कि वो ये सोचते हैं कि यार अगर मैंने पूछा कि बॉस डांट ना दे, ये ना बोले कि आप बड़ा बेवकूफ है, तो इतना नहीं पता, तो लोग क्वेश्चन नहीं पूछते, खुद ही जाके अंधेरे में चलाते हैं। लोग पूछते नहीं। Do you agree? Yes, sir. अब ये हमने ही पूछना है। हमने पूछा बेटा समझ में आया, वो बोलेगा जी हाँ जी आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये पूछ लो, अच्छा बेटा क्या समझ में आया, कैसे इस काम को जाके एग्जीक्यूट करेगा, इस काम को कैसे करेगा। अभी आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि वो आपकी बात ध्यान से सुन भी रहा था या नहीं, या वो सिर्फ फिजिकली वहां खड़ा था और मेंटली वो कहीं और था। और अगली बार भी जब वो आएगा ना, वो पूरी तैयारी के साथ आएगा कि यार सर बीच में पूछ भी लेते हैं, इसलिए मुझे इनकी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है। उसके बाद जब हमें समझ में आ गई, ये बात क्लियर हो गई कि उसको हमारी बात समझ में आ गई है, हमने उससे पूछा, उसने आगे से उस चीज को हमें रिकन्फर्म कर दिया, उसने हमें बता दिया कि वो उस चीज को एग्जीक्यूट कैसे करेगा, और हम उसके बताए हुए से सेटिस्फाइड है, हमें समझ में आ गया कि इसको बात समझ में आ गई, हमें पता चल गया कि इसको समझ में आ गया। उसके बाद एलोकेट अथॉरिटी, उसको बताना है। अगर कोई फाइल है तो आप कह सकते हो बेटा मैं सैंपल फाइल तुझे भेज रहा हूँ मेल पे, इसको रेफर कर लियो। कोई यूजर नेम पासवर्ड चाहिए, कोई डेटा चाहिए रिकॉर्ड बनाने के लिए, तो हम उसको डेटा दे देंगे। नाउ लेट, नेक्स्ट इज लेट गो, वेरी इंपॉर्टेंट। अब लेट गो का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर मैंने उसको काम दिया है, उसको उसकी डेडलाइन बताई है, उसको काम समझ में आ गया, उसको मैंने डेटा दे दिया, तो अब मैं उसको काम करने दूंगा। अब अगर हर आधे पौने घंटे बाद जाके मैं पूछूंगा तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि यार अगर इतना ही टाइम था तो खुद ही कर ले। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भूल ही गए और शाम को वो गेट पे पंचिंग के टाइम पे मिल रहा, हम कह रहे हैं यार तेरे को तो टास्क दिया था, वो कहता है हाँ जी सर दिया था, तो आप कहते हो यार तूने बताया है क्यों नहीं, वो कहता है सर आपने बुलाया ही, राइट। तो ये भी हमसे गलती होगी, तो लेट गो करके भूल नहीं जाना। एंड लास्ट में सपोर्ट एंड मॉनिटर, मॉनिटर मतलब एक सवा घंटे के बाद उसको काम लाया, हमने उसके काम को देखा, अच्छा किया तो अप्रिशिएट करेंगे कि बेटा बहुत अच्छा किया तुमने, पहली बार में अच्छा एग्जीक्यूट कर दिया, और अगर कहीं कोई गलती हुई है तो उसको सपोर्ट करने के, बेटा ऐसे नहीं ऐसे करना, ठीक है अगली बार ध्यान देंगे। बस अब हम कहाँ गलती करते हैं, हम गलती करते हैं जी दो चीज़ों, शायद हम सैंपल रिपोर्ट भी भेज देंगे, शायद हम उसको काम करने देंगे, उससे शायद हम फॉलोअप भी ले लेंगे, लेकिन दो चीज़ें जो हम मिस करते हैं, एक हम डेमोन्स्ट्रेट नहीं करते, दूसरा हम अंडरस्टैंडिंग नहीं चेक करते सामने वाले की कि उसको हमारी बात कितनी समझ है। और यहीं पर सारा खेल बिगड़ जाता है, वो अपने हिसाब से जाके करता है, वो अपनी सोच से करता है, हमारी बताने की सोच कुछ और थी, उसकी करने की सोच कुछ और है, और इसी वजह से हमारे रिजल्ट पड़ते हैं।